बोलेंगे हमारे दोस्त कब से इस जगह रखे हैं, ढूंढ रहे थे 5 घंटे से ज्यादा, ढूंढ रहे थे एकदम बढ़िया अच्छा सा सबको अलग अलग देखिए कैंप बना हुआ था ना अलग अलग सब पांडे सर इसको थोड़ा इधर लेकर ले क्या? नहीं नहीं ठीक है ठीक है, मम्मी पास जल्दी आइए आप लोग, इंतजार लाइट बाबा लाइट पूरा ऑन करो, लाइट 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 हाथ कौन दे रहा है संजय, उधर बड़ा लग रहा है यार, आओ इधर आओ ना पीछे भाई, लाइट बंद करो, संजय जी पहुंचे हैं लाइट बंद करा, लाइट पूरा डाउन कर दे, खत्म हो गया, हैप्पी बर्थडे बोल दो, बस 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 थैंक यू, चलो हूं तो हो गया, कोई गल नहीं है, चलाओ जी 24 साल हम लोग नहीं कर सके, तुम लोग काम करते हैं कड़क कड़क, अरे एक नंबर आप बहुत तरक्की करे, बहुत आगे गए और फिल्म में जिसमें बहुत 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 ऊपर गए, मतलब स्टार भी, आशीर्वाद दीजिए, बहुत बढ़िया से मम्मी जी, हाँ बस तो करना बाबा, अरे हम ही कर देंगे, लाइए ऊपर जल्दी अरे जी टेस्टी फटाफट आप लोग अपना लगाए पांडो ले गया
चलो ये पार्टी शुरू करें। बाकी मैं सबको कैसे खिलाऊं? बाकी काट देंगे, लोग अपने निकालेंगे, बाकी ड्यूटी लगा दूंगी। बॉस तो खिला दिए, सुरेश फिल्म के बॉस सुरेश राय जी को आम्रपाली जी केक खिला रही हैं। हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे बोलो। चलो ये राम जी बाइक ले लेते हैं, नीचे मत फेंक कर यार। निकाले क्या उसके बाद हम केक कट करेंगे। अभी हाथ पड़े रखते पूछ जरा क्वेश्चन सर पूछता दे दो वैसे आगे बात राम जी वही बाइट ही ले रहा हूँ। दीदी दीदी इधर आइए दीदी। क्या नाम मेरा नुकसान वो मेकअप खराब नहीं करूंगा, मेरा नुकसान होगा ना, क्योंकि नजरों पर जल जाएगा फायदा। तो सवेरे आएंगे ले जी जान को रूम खा लिया, डिस्काउंट दे दो कि ना ही बता रहा। कितना डिस्काउंट दे बात डिस्काउंट हो कि ना दुनिया के सामने बोल दे ना फुल डिस्काउंट पक्का ना हाथ पीछे करो नहीं तो काट ही दे। मजबूरी में बनावे के पड़ल है का बताई अब, पर हम जो जवान दे देली वो पूरा करेंगे, सबके सामने बोल लेली हम का बोली। क्या छाप दी है प्रेम राय का जीजा नहीं रहुआ जीजा शूटिंग वाला फोटोग्राफर कहाँ गया? शूटिंग वाला शूटिंग वाला फोटोग्राफर कहाँ गया? हाँ बस सारी बधाई जन्मदिन का। थैंक यू। आज आपके लिए एक सरप्राइज रहा, जैसे हम लोग जान रहे हैं कि लास्ट डे शूटिंग और शूटिंग के सेट पे आपको इस करना का केक काट के क्या करना चाहिए? पहले तो थैंक यू पूरे प्रोडक्शन को, दिनेश जी को, सब लोग ने सरप्राइज प्लान किया और मेरा बर्थडे इतनी अच्छी तरीके से शुरू हुआ, थैंक यू सो मच। और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरी फैमिली आई मेरे बर्थडे पे, वो मेरी फर्स्ट फैमिली है, शूटिंग के लोग मेरी सेकंड फैमिली, वो लोग भी थे मेरे साथ, तो मैंने मेरा तो बर्थडे अच्छे से शुरू हो गया, मुझे लगता है पूरा साल बहुत अच्छा जाएगा। दो परिवार एक साथ जुट के आपको जन्मदिन। यस। कितनी हैप्पी है आप और दिनेश जी, आपको सरप्राइज दिए तो कितना? दिनेश जी मुझे मतलब पूरे दिन में एक भी बार फील भी नहीं होने दिए कि उनको याद भी है कि मेरा कल बर्थडे होगा या केक लाना है या कुछ सरप्राइज करना है। पूरे दिन हम साथ में एक मीटिंग के लिए गए थे, उसके बाद यहाँ आए, तो एक भी बार ही डिडंट लेट मी फील कि आपका बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है, और मैं सैड हो गई थी, मुझे लगा था कि अब कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा बर्थडे, और यहाँ आने के बाद इतना बड़ा सरप्राइज, थैंक यू। सर इतना आपने ये अधेरे में क्यों रखा था? देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये बर्थडे जो इतनी धूमधाम से मनाया गया है उसका रीज़न ये है कि आम्रपाली जी के आने के बाद भोजपुरी का नया जन्म हो गया है। भोजपुरी को कह सकते हैं कि जो एक जैसे इनका बर्थडे हम मना रहे हैं, वैसे ही हम लोग साथ साथ भोजपुरी सिनेमा का भी बर्थडे मना रहे हैं। दूसरा जीवन मिला इनके आने के बाद, बहुत ही लकी हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए, हम सब के लिए, और मात्र दो सालों में ही इन्होंने 5-6 ब्लॉकबस्टर दिया भोजपुरी सिनेमा को,
और सिर्फ हम नहीं, सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, ये पूरी ऑडियंस, सभी दर्शक ये बात मानते हैं कि इनके आने के बाद बहुत सारा बदलाव हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनने लगी हैं और इन्होंने जो भी किरदार निभाया है उस किरदार को इतना पसंद किया गया है कि लोग 50-50 बार इनकी फिल्में देखते हैं। तो एक नई ऊर्जा इन्होंने आके भर दिया है, तो इनके लिए जितना भी हम लोग विश करें, जितना भी मनाएं, वो बहुत कम होगा। और हम लोग सुबह से ही प्लान किए थे कि आज सेट पे ही इनका बर्थडे मनाया जाएगा, तो आज शुरू हुआ है इनका बर्थडे। पर ये पार्टी हमको लगता है कम से कम एक हफ्ते तक चलेगी क्योंकि आज से जितना भी हम लोग, कल CCL की पार्टी है और उसके बाद हमारे जो प्लेयर्स हैं वो सब मिलके कल प्लान किए हुए हैं, तो ये शुरुआत हुई है। अब एक हफ्ते तक इनकी पार्टी चलेगी और हम लोग इनको शुभकामना देते हैं कि ये ऐसे ही मुस्कुराती रहें, खुश रहें, और जिस तरह से इन्होंने भोजपुरी सिनेमा को एक नया मुकाम दिया है, और भी इसको आगे लेके जाएं, खूब तरक्की ये भी करें, साथ में हम लोग इनके साथ हैं, बस यही कहना चाहूंगा। हाँ, इन्होंने ऐसा गिफ्ट मांगा है, मुझे लगता है कि कोई क्या गिफ्ट ऐसे मांगेगा। आज ही हम लोगों के CCL टीम की, हमारे भोजपुरी सिनेमा की जो टीम है भोजपुरी दबंग, उसकी आज शुरुआत हुई है और इन्होंने हम लोगों से कहा कि हमें CCL का कप चाहिए, यही हमारे लिए गिफ्ट होगा। तो पूरी टीम फोकस है इनको गिफ्ट देने के लिए, बाकी इनके लिए गिफ्ट तो पूरे साल हम लोग देते ही रहते हैं। दिनेश जी, बात करें CCL की, तो सबसे कहते हैं कि प्लेयर जो है वो सबसे पसंदीदा आपका प्लेयर की बात करें तो कौन है आपके आपके दबंग, भोजपुरिया दबंग में? भोजपुरिया दबंग में 3-4 ऐसे प्लेयर हैं जो हमारे फेवरेट हैं। सबसे पहले तो हमारे कैप्टन मनोज तिवारी, हमारे बड़े भैया, जो पूरी टीम को अकेले जो है किसी भी मुकाम तक ले जाने के लिए सक्षम है, बॉलिंग से, बैटिंग से, ऑलराउंडर हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, तो वो हमारे सबसे फेवरेट हैं। उसके बाद मेरा छोटा भाई प्रवेश लाल यादव, बहुत अच्छा खेलते हैं और इस समय सबसे ज़्यादा फॉर्म में चल रहे हैं, उन पे पूरी टीम को उम्मीद है कि वो इस बार बहुत कुछ अच्छा करेंगे। आदित्य ओझा, जिसने हम लोगों को 2-3 बार CCL में बहुत अच्छी जीत दिलाई, वो भी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। इसके बाद हमारे उत्तम तिवारी, वो भी बहुत अच्छे फॉर्म में है। तो हमारे CCL टीम में जो भोजपुरी दबंग है, इस बार बहुत करिश्मा करने जा रही है क्योंकि बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं लोग। और सबसे अच्छी हमारी टीम की बात यह है कि अगर नंबर 1 पे जो प्लेयर है वहां से लेके नंबर 9 तक जो भी जाएगा वो सेंचुरी मारने की क्षमता रखता है। ये हमारे आशिक अवारा एक बहुत ही इंटरटेनिंग फिल्म है, फिल्म पूरी बन गई है, हम लोग उसकी डबिंग कर रहे हैं, मैं फिल्म बैठ के, हम और आम्रपाली जी कल देखे बैठ के पूरी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। और ये फिल्म इसलिए अच्छी बनी है क्योंकि इसके जो डायरेक्टर हैं सतीश जैन जी, बहुत ही सुलझे हुए और मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं। उन्होंने इसके पहले हम दोनों को लेके 2 ब्लॉकबस्टर दिया, एक निरहुआ हिंदुस्तानी जो जिसमें इन्होंने डेब्यू किया आम्रपाली जी ने, दूसरी उन्होंने निरहुआ रिक्शा वाला 2 बनाई, वो भी ब्लॉकबस्टर रही। और ये भी फिल्म उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है, आज आखिरी गाना शूट हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक जो हमसे खोजते हैं, सतीश जैन जी से खोजते हैं, आम्रपाली जी से जो खोजते हैं, वो इस फिल्म से मिलेगा भरपूर आनंद। तो मुझे लगता है ये भी ब्लॉकबस्टर होने जा रहा है। आम्रपाली जी, आज हैप्पी बर्थडे है, तो आप क्या विश करना चाहेंगे, ऑडियंस को क्या थैंक्स कहना चाहेंगे? मैं अपनी सारी ऑडियंस को सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग ने मुझे अपनी पहली फिल्म से ही बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, और आज मैं जहाँ पे भी हूँ उसमें सबसे ज्यादा थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखे, आम्रपाली को बनाए रखे, प्लीज थैंक यू। लास्ट डे शूटिंग और सारे फिल्म की नायिका आम्रपाली जी का बर्थडे मनाया गया, आप लोगों ने सेलिब्रेट किया क्या? मैं आदिशक्ति की तरफ से श्रेष्ठ फिल्म को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतनी शानदार फिल्म इन्होंने बनाई है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि इस फिल्म से आदिशक्ति डायरेक्ट जुड़ी हुई है। हमें आज बुलाया गया है, आम्रपाली का जन्मदिन है, तो मैं उनको बहुत बहुत जन्मदिन का मुबारकबाद देता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार हर साल इस जन्मदिन पे श्रेष्ठ फिल्म एक फिल्म लॉन्च करते रहे और हम आए इसी प्रकार से उनको जन्मदिन की बधाई देता रहूँ। ये जो प्रेम राय हैं हमारे दोस्त, हमारे छोटे भाई, ये एक काबिल प्रोड्यूसर है, बहुत दिल से फिल्म बनाते हैं, पूरा जी जान लगा के फिल्म बनाते हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
कि इस तरीके से फिल्में बनाते रहे और हम लोग इसी तरीके से इनसे जुड़ते रहे। धन्यवाद। प्रभा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज सबसे पहले आपकी फिल्म की नायिका का बर्थडे आप लोगों ने यहाँ सेलिब्रेट किया, उनको एक सरप्राइज दिया आपने। सरप्राइज दिया है, ये बात तो सही है, और सरप्राइज में दादा भी साथ में हैं और रत्नाकर जी भी साथ में हैं, जो हमारे ऑडियो वीडियो सैटेलाइट के मेन आदमी हैं। अपना क्या नाम है सर? वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स आदिशक्ति म्यूजिक कंपनी, और दादा का हमेशा से मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। ये मेरे बड़े भाई, बड़े पिता, मतलब जैसे ही बोलेंगे मेरे गार्जियन के समान है मुंबई में, ठीक है। और ये मेरे बड़े भाई रत्नाकर जी, और इनका सपोर्ट हमेशा से रहा है, और जिनका सपोर्ट हट जाएगा मैं मुंबई से हट जाऊंगा, ठीक है। और फिल्म मैं अपने हिसाब से बनाता रहूंगा और अच्छा प्रोडक्ट हमेशा देता रहूंगा। इसके पहले भी मैंने दो फिल्म बनाया है, आशी गवारा भी मैंने बनाया है, और आप देखिए, और दीवार बनाने जा रहे हैं। उसके बाद मैं राजा हिंदुस्तानी और दीवार दोनों बनाने जा रहा हूं। दीवार में अपना दिनेश जी, पवन सिंह और रवि किशन जी हैं, और ये मेरे ख्याल से भोजपुरी की सबसे बड़ी फिल्म होगी, मेरे ख्याल से। इसके बाद भी कोई बहुत बड़ा बना देगा तो मेरे को पता नहीं, पर मेरे हिसाब से बहुत बड़ी फिल्म होगी। और दो फिल्म के बनाने के बाद में मैंने हिंदी का भी शुरुआत कर दिया है, और इसके बाद हिंदी फिल्म बनाने जा रहा हूँ। और दादा और रत्नाकर जी का उसमें से बहुत बड़ा मेरे साथ हैं, और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। सर, बात करें आशी कवारा की, तो फिल्म जैसे कि आज लास्ट डे है और काफी फिल्म बन चुकी है, एडिट भी हो चुका है, क्या कहना चाहिए, किस तरह की मूवी होगी, दर्शकों को क्या संदेश जाएगा? आशी कवारा ये गानों को अगर छोड़ दे, इस गाने को छोड़ दे, तो आशी कवारा बिल्कुल तैयार है रिलीज होने के लिए। अगर कल बोलेंगे तो मैं परसों रिलीज कर सकता हूँ। तो ये गाना हमने स्पेशल पेरेंट्स पे रखा हुआ है, और ये गाना बहुत ही अच्छा गाना है। और आशी कवारा मेरे ख्याल से, देख मैं तो प्रोड्यूसर हूँ, हर प्रोड्यूसर अपने फिल्म को अच्छा बोलता है, पर जब लोग देखेंगे तो उसके बाद वो लोग का ही, आप उसके बाद व्यू लीजिएगा कि वो फिल्म कैसी बनी है। सतीश जैन के डायरेक्टर हैं, सतीश जैन के पहले भी दो तीन फिल्म बहुत अच्छे दे चुके हैं, और मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है कि सतीश जैन की ये फिल्म बहुत अच्छी जाएगी, और दिनेश जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये फिल्म के ऊपर में मेरे ख्याल से दो तीन लोगों का आधार टिका हुआ है, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, मेरा हीरो और मेरा जो डायरेक्टर है, उसका आधार टिका हुआ। अगर ये फिल्म नहीं चली, चलेगी जरूर, मेरे को इतना भरोसा है, नहीं चली तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, अगर चली तो बहुत अच्छा होगा। और मेरा ये भरोसा है, इतने बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद है, तो फिल्म 100% चलेगी, मेरा भरोसा है। ये अभी लास्ट दो सालों में जो है, ये सबसे बड़ी पिक्चर है जो हम लोग रेज्यूम कर रहे हैं, और आदिशक्ति ऑडियो एंड वल्वेट रिकॉर्ड्स में है ये इसके सारे म्यूजिक। इसकी मार्केटिंग प्लान में यही है कि सबसे बड़ी मार्केटिंग प्लान इसकी बनाई गई है, जो 10-15 दिनों में इसका ऑन हो जाएगा हर एक जगह पे, और म्यूजिक इतने अच्छे बने हैं, और ये बहुत काबिल प्रोड्यूसर हैं कि इनकी सारी जो पीछे की भी जो पिक्चरें थी उस सारे के हिट हुई, तो हम लोग को बहुत एक्सपेक्टेशन है, एंड उम्मीद कर रहे हैं कि ये इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी भोजपुरी में होगी, और यहीं से और लोगों की भी शुरुआत होगी कि जैसा ये प्रोडक्शन करते हैं वैसा ही सारे लोग प्रोडक्शन करने में दिलचस्पी दिखाएं, कि जितना ये यूज करते हैं, जितना ये अच्छा म्यूजिक देते हैं, तो इनसे लोगों को सीखने को मिलेगा कि जैसा ये बना रहे हैं आज तक की मूवी जितनी भी आई है उसमें इस साल की सबसे बड़ी पिक्चर होनी चाहिए, और उम्मीद है, और दुर्गादा है, एंड खुद ही प्रेम जी ने इतनी मेहनत की है, सब लोगों ने इतना मिल करके इसको हर एक जगह पे, हर एक कॉर्नर पे हेल्प, हम लोग पोजीशन ले रहे हैं कि इसको कैसे और बड़ा बनाया जा सकता है, और इंडस्ट्री में इन लोगों का सपोर्ट है ना, तो अब जो सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे एक इंडस्ट्री एक नया रास्ता लेती है, पीछे को हटाना, और उम्मीद है कि इस साल का सबसे बड़ा पिक्चर ये घोषित किया जाएगा। सर, बात करें फिल्म की नायिका अमरपाली का, आज बर्थडे आप लोगों ने मिलकर बनाया, सेलिब्रेट किया, हम लोगों ने काफी एंजॉय किया, और उनको बहुत बहुत बधाई बर्थडे के दिन, और ये आज लास्ट शूटिंग है, और सबसे अच्छा गाना जो है वही शूट हो रहा है उनके लिए, तो यही उनके लिए बधाई है सबसे बड़ी, और प्रेम जी ने सरप्राइज बर्थडे रखा, उसमें सब लोगों ने एंजॉय भी किया है इस चीज को, और बहुत बहुत बधाई उनको भी। तो बात करें, आज लास्ट डे शूटिंग है और फिल्म की हीरोइन का बर्थडे आप लोगों ने मिलकर मनाया, क्या कहना चाहेंगे, और फिल्म के प्रोड्यूसर प्रेमराज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमको मालूम ही नहीं था, यहाँ तो प्रेमराज जी ने जब केक मंगवाया तब पता चला कि आज अमरपाली का बर्थडे है, बहुत खुशी हुई हमारे सेट पे
उनका बर्थडे मनाया गया। और ये जो फिल्म बनी आशिक वारा बहुत इसी तरह इसी माहौल में बनी, जिस माहौल में बनी ना उसी तरह से बिल्कुल पारिवारिक फैमिली माहौल में बहुत हंसते गाते हम लोगों ने फिल्म बनाई। कब बनाई पता नहीं चला, कब शुरू हुई कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। फिल्म का ये फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा था, प्रेमराज जी को बताया मैंने तो प्रेमराज जी ने कहा कोई जैसा सर आप जो चाहिए कीजिए, हमारी कंपनी आपको पूरा सहयोग देगी। उन्होंने पूरी फिल्म में कोई कसर नहीं छोड़ा, मैंने कोई डिमांड इनकी ऐसी नहीं थी जो इन्होंने मेरी डिमांड इन्होंने पूरी नहीं की। और एक लेविश एक बहुत बड़ी और शानदार फिल्म बनी, बहुत एंटरटेनिंग फिल्म बनी है। इसमें प्रेमराज जी का बहुत बड़ा हाथ है इस फिल्म को। अगर प्रेमराज जी की जगह कोई भी दूसरा प्रोड्यूसर होता तो मैं इस सब्जेक्ट पर फिल्म नहीं बनाता। किस तरह की फिल्म है, कहानी क्या रहेगी, गाने के बारे में कितने गाने रहेंगे? गाने 9 हैं और ये फिल्म है एक्चुअली फैमिली फिल्म है, फैमिली एक्शन फिल्म है। मतलब बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि कैसी फिल्म बनाऊं जो फैमिली एक्शन हो, डबल रोल हो हीरो का, तो वो मेरी इच्छा पूरी हुई इस फिल्म में बनाने की। और एक बहुत ही मज़ेदार एंटरटेनिंग फिल्म है जो फिल्म को शुरू से अंत तक लोगों को बिल्कुल बांध के रखेगी और फुल एंटरटेन करती चलेगी फिल्म। जैन साहब तो बचपन याद आ जाता है, तो ऐसा कुछ हुआ इस फिल्म में? फिल्म में बता रहा हूँ ना, मैंने आपको पहले बताया ये फिल्म के प्रोड्यूसर अगर प्रेमराजी नहीं होते इस कहानी के तो मैं ये फिल्म नहीं बना रहा था, इस कहानी पे फिल्म नहीं बना रहा था, क्योंकि कोई भी दूसरा प्रोड्यूसर इस कहानी के साथ जैसा ना इन्होंने किया है बजट को लेकर के और मेकिंग को लेकर के, वो दूसरा कोई भी प्रोड्यूसर नहीं कर रहा था। ये फिल्म सिर्फ प्रेमराज ही बना सकते थे। जैन साहब कहानी की बात करें तो क्या कुछ इसमें अलग देखने मिलेगा दर्शकों को? अलग ट्रीटमेंट है, अलग स्टाइल है, मेरे स्टाइल की फिल्में सती जो मेरी फिल्में पहले आई यानी हिंदुस्तानी आई और रिक्शा वाला आई, उसी तरह से ये भी एक एंटरटेनिंग फिल्म है। और मैं कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करता बहुत ज़्यादा, मैं लोगों को उसी मतलब एक एंटरटेन करना चाहता हूँ और पूरी तरह से जो एंटरटेनिंग फिल्म ही बनाता हूँ जिससे लोगों को फिल्म में जो दर्शक देखने आते हैं भरपूर मजा ले, भरपूर आनंद उठाए और हंसते खेलते चले जाए। मैं कोई बहुत बड़े दावे नहीं करता कि तुम्हें कोई महान फिल्म बनाता हूँ, बनाता भी नहीं मैं एंटरटेनर बनाता हूँ और एंटरटेनर ही बनाता रहूँगा जी दर्शकों को। उस फिल्म में सिर्फ 2 ही फिल्में बनाई मैंने, हिंदुस्तानी निर्भर और रिक्शा वाला, दोनों फिल्मों को जिस तरह का प्यार उन्होंने दिया मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म को भी दर्शक मेरे दर्शक वैसा ही प्यार दें। सतीश जी एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, वेल प्लान डायरेक्टर हैं और इसके पहले भी उन्होंने 2 फिल्म बनाया है, दोनों ब्लॉकबस्टर हुआ है, तो मेरे को इनके ऊपर पूरा भरोसा है और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और अब जब आप फिल्म देखेंगे, मतलब जो दर्शक हैं जो फिल्म देखेंगे वही बता पाएंगे कि फिल्म कैसा बना है और क्या बना है कैसे। और इनके साथ हमेशा से जो भी इनका जो डिमांड था वो मैंने पूरा किया और मेरा जो भी प्रॉब्लम था इन्होंने सॉल्व किया कि भाई ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। एक बार बताना चाहता हूँ, कभी शूटिंग पे आते नहीं है, बहुत कबार कभी कबार एक आध दिन के आते थे। अब हम लोगों ने पूरी फिल्म बनाई और लेविस फिल्म बनाई और इनके साथ फोन पे मुश्किल से 3 से 4 बार बात की, हमने पूछ ली थी आप उनसे। ईशान सिंह, नीलाब तिवारी, धर्मेंद्र तिवारी और अपना खालिद मोहम्मद, इन्होंने मतलब इनका बहुत सपोर्ट किया है। हमारा जो भी टीम है, हमारे ऑफिस के जो लड़के हैं, उन्होंने इनके साथ अच्छा कोऑपरेशन किया है, अच्छा सपोर्ट किया है, इनको जो भी जरूरत था उन्होंने उसको पूरा किया है, तो मेरे तक पहुंचने की बात ही नहीं है। तो इनका जब जो भी इनका डिमांड था फिलफिल हो गया तो फिर हमारे तक आने की कोई बात ही नहीं है। तो ये बात मेरे पूरी फिल्म की ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, सब लोगों ने अपना हीरो हीरोइन और जितने टेक्नीशियन थे डायरेक्टर साहब ने सबको हैंडल किया और इनके हिसाब से सब लोगों ने पूरा सपोर्ट किया, चाहे वो 8 घंटा हो, 10 घंटा हो, 12 घंटा हो, मतलब जितना भी टाइम इन्होंने मांगा सबसे और जितने देर भी इन्होंने काम किया है सबको उन्होंने टाइम दिया है और किसी से कोई भी शिकायत नहीं है। और सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने अपने टाइम से सब कुछ पूरा किया है और सर ने भी 2 दिन पहले फिल्म कंप्लीट करके दे दी हमको, इसलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये फिल्म मतलब 35 दिन की शूटिंग थी और इन्होंने 33 दिन में शूट करके दे दिया है, वो बहुत बड़ी बात टीम की। प्रेम जी चलते चलते आखिरी एक सवाल, दर्शक हमारे जो देख रहे हैं टीवी पे, ये कब फिल्म लग रही है और क्यों जाएं आपकी फिल्म देखने के? ये फिल्म 23 मार्च 2016 को रिलीज होगी होली के शुभ अवसर पर और मैंने पहले भी अनाउंस किया था कि होली के शुभ अवसर पर ये फिल्म रिलीज होगी। और हर साल हम जो भी हमारे दर्शक हैं उनको हर साल होली पे हम एक फिल्म देंगे और एक बहुत बड़ी फिल्म देंगे हर साल, ये मेरा वादा है। प्रेम जी हमसे बात करने के लिए